सो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और मेरी न्यू वीडियो में। आज की अपडेट दोस्तों मैं देने वाला हूँ पिंक लाइन मेट्रो एंड डबल डेकर फ्लाईओवर की। सो यहाँ लेफ्ट साइड में है दोस्तों भजनपुरा मेन मार्केट, तो यहाँ पर बनाया जाएगा एक मेट्रो स्टेशन। तो अभी आपको अपोजिट साइड से भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो खजूरी खास का मेट्रो स्टेशन बन रहा है दोस्तों, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर हम खजूरी से लेके कोकलपुरी की साइड जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पियर बन के तैयार हो चुके हैं और आगे है खजूरी खास का फ्लाईओवर। तो ये देखिए यहाँ पर भी काम किया जा रहा है पियर का। तो यहाँ से थोड़ा मूव हो जाएगी मेट्रो राइट साइड की तरफ, खजूरी खास का जो फ्लाईओवर उसके साइड में जाएगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों पियर बनाए जा रहे हैं और उससे आगे पियर कैपिंग का काम हो चुका है। तो ये देखिए लगातार काफ़ी सारे पियर यहाँ पर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं और ये आ गए हम फ्लाईओवर के ऊपर। तो एक ये पियर है दोस्तों जिसको एक्सटेंड करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ से आगे लगातार काफ़ी सारे पियर बन के तैयार हो चुके हैं और आगे यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग का काम भी हो चुका है मेट्रो वायडक्ट के लिए। और राइट साइड में दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर ही देखिए कुछ पिलर के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम हो चुका है और सामने बन रहा है यहाँ पर खजूरी खास का मेट्रो स्टेशन, तो जिसका काफ़ी सारा काम यहाँ पर हो चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर स्टेयर्स का काम चल रहा है और आगे देखिए काफ़ी लंबे स्ट्रेच में यहाँ पर वायडक्ट का काम भी हो चुका है। सो ये है मेन मार्केट के सामने, यहाँ पर भी देखिए दो पियर के ऊपर वायडक्ट रखने का काम हो चुका है जो पहले यहाँ पर नहीं हुआ था, और ये वाला पियर है इसके ऊपर पियर कैपिंग का काम कंप्लीट हो गया है। सो इस जगह पियर को एक्सटेंड करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर बनाया जा रहा है भजनपुरे का मेट्रो स्टेशन, तो ये देखिए इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर भी वायडक्ट रखने का काम हो चुका है और आगे भी इन पियर के ऊपर वायडक्ट रखने का काम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी डबल डेकर फ्लाईओवर की। तो यहाँ पर बनाया जाएगा रैंप, तो इस रोड को यहाँ पर चौड़ा किया जाएगा। देखिए दोस्तों नीचे वाले जो आप पियर कैप देख रहे हैं ये है डबल डेकर फ्लाईओवर की, यहाँ तक ये पियर बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये है लेफ्ट साइड में सबवे, सो मे बी इस सबवे को यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज या मेट्रो लेन के थ्रू आप इस रोड को क्रॉस कर सकेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है डबल डेकर फ्लाईओवर की, जिसका काफ़ी सारा काम यहाँ पर हो चुका है। और ऊपर है पिंक लाइन मेट्रो, जिसकी काफ़ी लंबे स्ट्रेच में वायडक्ट रखने का काम भी हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर ये रोड क्रॉस करने के लिए रास्ता बना दिया गया है। तो राइट साइड में है भजनपुरा थाना रोड और लेफ्ट साइड में है करावल नगर रोड। तो आप देखेंगे दोस्तों ऊपर की तरफ यहाँ पर पिंक लाइन मेट्रो का काम भी चल रहा है और साथ के साथ फ्लाईओवर का भी, और फ्लाईओवर का काफ़ी सारा काम यहाँ पर हो चुका है। सो नीचे रहेगा ये पुराने वाला रोड और इसके ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो लेन। तो इस जगह दोस्तों काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए इस जगह फ्लाईओवर की दोनों साइड की लेन का काम हो चुका है।
यहाँ पर आगे भी फ्लाईओवर का कंप्लीट काम हो चुका है एक लंबे स्ट्रेच में। अभी दोस्तों यहाँ पर साइड पैनल का काम किया जा रहा है, तो बीच में होगा दोस्तों गैप बिकॉज ऊपर रहने वाली है पिंक लाइन मेट्रो और ये आपको 4 लेन का फ्लाईओवर मिल जाएगा। तो इस फ्लाईओवर की स्टार्टिंग होती है भजनपुरा मेन मार्केट के पास से और एंड होता है सी ब्लॉक यमुना विहार के पास जाके। सो बीच में जो भी रेड लाइट दोस्तों मिला करती थी अब उससे आपको राहत मिल जाएगी जब ये फ्लाईओवर बनके तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो गया है इस फ्लाईओवर का और उसके ऊपर पिंक लाइन मेट्रो का भी। तो अब थोड़ा दोस्तों तेज काम चल रहा है पिंक लाइन मेट्रो का। सो ये है दोस्तों सी ब्लॉक यमुना विहार। तो यहाँ तक देखिए फ्लाईओवर का कंप्लीट काम हो चुका है और यहाँ से ऊपर आप देखेंगे दोस्तों पिंक लाइन मेट्रो का काम काफ़ी सारा हो चुका है। यहाँ पर वायरडक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक रैंप बना दिया जाएगा इस फ्लाईओवर के लिए और सामने देखिए सी ब्लॉक यमुना विहार का मेट्रो स्टेशन का काम भी काफ़ी सारा हो चुका है। तो काफ़ी तेज़ी से दोस्तों काम हुआ है इस मेट्रो स्टेशन का। अब यहाँ पर इसकी स्टेयर्स का काम किया जाएगा। तो दोस्तों भजनपुरा मेन मार्केट के बाद आपको जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन मिलेगा वो सी ब्लॉक यमुना विहार का मिलेगा। उसके बाद दोस्तों गोकलपुरी में भी मे बी कनेक्टिविटी मिल जाए गोकलपुरी वाले मेट्रो स्टेशन से, वो भी आगे जाके पता चलेगा। सो यहाँ तक रहेगा ये मेट्रो स्टेशन और इसके ऊपर ये देखिए मेट्रो लेन के वायरडक्ट का काफ़ी सारा काम हो चुका है और यहाँ से आगे भी पियर कैपिंग का काम हो चुका है। और इस जगह दोस्तों आमने सामने ये पेड़ बनाए गए हैं बिकॉज़ यहाँ से लेफ्ट साइड के लिए मूव करेगी ये मेट्रो लेन। सामने है दोस्तों गोकलपुरी का फ्लाईओवर तो उसके लेफ्ट साइड से जाएगी ये मेट्रो लेन। तो ये देखिए यहाँ पर इन वाले पियर के ऊपर भी पियर कैपिंग का काम हो चुका है और इसके आगे भी पियर बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से काम किया गया है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे पियर हैं जिनके ऊपर अब पियर कैपिंग का काम कंप्लीट हो गया है और आगे दोस्तों लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर वायरडक्ट रखने का काम भी हो चुका है जो पहले नहीं हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पर 4 पिलर के ऊपर वायरडक्ट रखने का काम हो चुका है और ये देखिए थोड़ा सा कर्व लेके यहाँ से इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर से जाएगी ये मेट्रो। सो आगे दोस्तों लॉन्चर के थ्रू यहां से बनाया जा रहा है वायरडक्ट बिकॉज इस फ्लाईओवर के ऊपर से लेफ्ट साइड से राइट साइड में कनेक्ट करना है। तो काफ़ी डिस्टेंस है दोस्तों फ्लाईओवर का, इस वजह से काफ़ी यहां पर हैवी ये वायरडक्ट बनाया जाएगा जिसका काफ़ी सारा काम यहां पर अब हो चुका है। तो ये देखिए इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों मेरी वीडियो को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।